हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 48 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, 110, 99, 86 क्वेश्चन मार्क, 54 और 35, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 110 और 99 के बीच का गैप कितना है। देखिए आप बताइए, 110 और 99 बीच के गैप कितना है। देखिए क्या क्या है, 110 में से क्या क्या है, माइनस 11 कर दिया है। कितना माइनस 11 कर दिया है, तो कितना हो गया है, 99 हो गया है, ठीक है, 99 हो गया है। उसी प्रकार अब क्या किया है, देखिए 99 में से कितना माइनस किया है कि 86 आ गया है। देखिए कितना माइनस किया है, माइनस 13 किया है। कितना किया है, 13, यानी कि पहले 11 फिर 13, यानी कि दो संख्याएँ बढ़ा दी है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेगा, देखिए दोस्तों, अब 86 में से कितना घटाएगा। देखिए जब दो संख्या बढ़ाया है तो 13 और दो क्या हो जाएगा, 15, यानी कि माइनस पंद्रह हो जाएगा। तो कितनी संख्या आ जाएगी हमारी, देखिए दोस्तों कितनी आ जाएगी, 71 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 71, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 71, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और आगे भी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आ जाएगा 71, ठीक है। 71 में से हम कितना माइनस करेंगे, अब 17, 71 में से माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों आ जाएगा वो 54, ठीक है। कितना आ जाएगा, 54, 54 आ जाएगा ना। अब 54 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 35 आ जाएगा। देखिए 54 में से हम कितना माइनस करेंगे, माइनस 19 करेंगे। कितना करेंगे, माइनस 19 करेंगे तो हमारी संख्या 35 आ जाएगी। देखिए हमने क्या किया, 110 में से 11 घटाया तो 99 आ गया, 99 से हमने 13 घटाया तो 86 आ गया, 86 में से हमने 15 घटाया तो 71 आ गया, 71 में से हमने 17 घटाया तो 54 आ गया, और 54 में से हमने 19 घटाया तो 35 आ गया। यानी कि क्या भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, 71, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, चार विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हीं में से एक विकल्प हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे बहुत ही हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए प्रश्न क्या दिया है, 1357, 2068, 1591, 5425, और खाली स्थान पर हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1357, देखिए 1 कर लेते हैं प्लस, 3 कर लेते हैं प्लस, 5 कर लेते हैं प्लस, 7 कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका मान कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसका देखते हैं कितना होगा, देखिए 2 + 0 + 6 + 8, ठीक है दोस्तों। इसे हम आपस में ऐड कर लेते हैं, 2 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 6 कितना हो जाएगा, 8, और 8 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, यानी कि इसका मान भी 16 आया, ठीक है, इसका मान भी 16 आ गया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1 + 5 + 9 + 1, ठीक है, इसे आपस में जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 और 5, यानी कि 1 और 5 6 6 9 कितना होता है, 15, और 1 16। देखिए दोस्तों, ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी सोल्व हो गया, इसका भी मान 16 आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी सोल्व करते हैं। देखिए क्या कर लेंगे, 54, यानी कि 5 + 4 + 2 + 5, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसे आपस में जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 2 11 हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 इसका भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, सबका मान निकाला, ठीक है, तो सबका 16 16 आया, कितना, सबका 16 16 आया, ठीक है। तो उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन को क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना आना चाहिए, 16 16 आना चाहिए, तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्या करते हैं, पहले पहला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर लेंगे, 8 + 8 + 0 +
जीरो। देखिए कितना हो गया, आठ आउट आठ सोलह हो जाएगा, और सोलह में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सोलह। देखिए एक संख्या तो आ गया सोलह ये वाला, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं, देखिए क्या होगा, चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार। देखिए दोस्तों इसे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, सोलह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, सोलह सोलह संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। इन सब में सोलह सोलह प्राप्त हुई हैं और इनमें भी सोलह सोलह प्राप्त हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब ए सॉल्व हो गया, ठीक है, नहीं सॉल्व होता तो हम इसका भी ज्ञात करते, इसका भी ज्ञात करते, इसका भी ज्ञात करते, ठीक है। तो कोई इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट यानी कि सही करना होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्याएँ आएंगी। देखिए दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन मार्क हमारा यहीं पर है, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, अट्ठानवे बहत्तर क्वेश्चन मार्क बत्तीस अट्ठारह आठ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अट्ठानवे और बहत्तर, अट्ठानवे क्या किया, एक बहत्तर आ गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक कम संख्या है, इसमें क्या कर सकता है, माइनस कर सकता है तो भाग कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें माइनस कर लेते हैं। अट्ठानवे इसमें से कितना माइनस करेंगे कि हमारा बहत्तर आ जाएगा। देखिए वो कितना माइनस करेंगे, माइनस छब्बीस, माइनस छब्बीस माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा बहत्तर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब क्या, बहत्तर में से कितना माइनस करेंगे कि हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या। देखिए दोस्तों कितना माइनस करेंगे, बहत्तर में से कितना माइनस करेंगे, वो करेंगे हम बाईस। देखिए कैसे बाईस करेंगे वो अभी हम आपको बता देंगे। देखिए बाईस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर पचास आ जाएगा, ठीक है, पचास आ गया। देखिए कैसे आया, देखिए अब हम क्या करेंगे, पचास में से कितना घटाएंगे, पचास में से हम अट्ठारह घटाएंगे, कितना अट्ठारह। देखिए क्यों, देखिए पहले हमने छब्बीस घटाया, ठीक है, उसके बाद बाईस, यानी कि चार अंक चार संख्याएं कम हो गई, छब्बीस में से चार संख्याएं कम हो गई तो छब्बीस हो गया, अब सॉरी बाईस हो गया, बाईस में से अब चार संख्याएं कम होंगी तो अट्ठारह हो जाएगा, ठीक है। तो पचास में से हम अट्ठारह घटाएंगे तो बत्तीस आ जाएगा, ठीक है। अब बत्तीस में से हम कितना घटाएंगे, बत्तीस में से हम चौदह घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चौदह घटाएंगे तो आ जाएगा अट्ठारह, ठीक है। उसी प्रकार अब अट्ठारह में से कितना घटाएंगे, देखिए कितना घटाएंगे, वो घटाएंगे हम दस, दस घटाएंगे तो हमारी संख्या आठ आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, अट्ठानवे में से छब्बीस घटाया तो बहत्तर आ गया, और बहत्तर में से हमने क्या किया, माइनस बाईस किया तो पचास आ गया, ठीक है, पचास आया, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है, पचास, ठीक है। तो पचास में से हमने क्या किया, माइनस अट्ठारह किया, क्यों किया, क्योंकि छब्बीस पहले छब्बीस दिया, इसके बाद चार, यानी कि चार और माइनस कर दिया है छब्बीस में से तो हमारी संख्या बाईस आ गई। उसी प्रकार ये श्रेणी क्रम में चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया हमारा, पचास आ गया, यानी कि किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा विकल्प भरा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न वही बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, दो तीन पाँच छः क्वेश्चन मार्क, नौ क्वेश्चन मार्क और बारह, ठीक है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। दो और तीन, देखिए दो में क्या किया, दो में क्या किया है, एक जोड़ दिया है, क्या किया, एक जोड़ दिया है, तो हमारा कितना हो गया, तीन, ठीक है। तो फिर क्या किया है, तीन में क्या जोड़ा है, दो जोड़ दिया है, तीन में दो जोड़ दिया है, यानी कि पहले एक जोड़ा तो तीन हो गया, फिर दो जोड़ा तो पाँच हो गया, फिर अब क्या करेगा, अब कितना जोड़ेगा, पाँच में एक जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया तो छः हो गया, यानी कि पहले एक जोड़ेगा उसके बाद दो जोड़ेगा फिर एक जोड़ेगा, अब क्या करेगा, अब छः में दो जोड़ेगा, दो जोड़ेगा कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आठ आ जाएगा। देखिए वो कैसे, देखिए दो में एक जोड़ा तो कितना हो गया, तीन हो गया, तीन में दो जोड़ा तो पाँच हो गया, ठीक है, अब पाँच में एक जोड़ा तो छः हो गया, तो छः में अब क्या जोड़ेगा, दो, क्योंकि पहले एक जोड़ा उसके बाद दो जोड़ा फिर एक जोड़ेगा फिर दो जोड़ेगा, अब क्या जोड़ेगा, अब एक जोड़ेगा, आठ में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ेगा तो नौ हो जाएगा, ठीक है, देखें आप नौ हो गया, ठीक है, और नौ में कितना जोड़ेगा, नौ में कितना जोड़ेगा, प्लस दो जोड़ेगा, क्यों प्लस दो जोड़ेगा, इसलिए क्योंकि पहले एक जोड़ा है फिर दो फिर एक फिर दो फिर एक फिर दो, दो जोड़ेगा कितना आ जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, दूसरे
क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 11 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए क्या करेगा, 11 में आप क्या जोड़ेगा, एक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, दो में एक जोड़ा तो 3 हो गया, ठीक है। 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, ठीक है। यानी कि पहले एक जोड़ा फिर 2 जोड़ा, ठीक है। फिर 5 में एक जोड़ा तो 6 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 में एक जोड़ते 9 हो गया, फिर 9 में हमने 2 जोड़ा तो 11 हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 8 और 11, पहले 8 फिर 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या किया है, लुप्त अंकों के समूह को ज्ञात करना है हमें। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इसे हम संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जो अक्षर हैं, ठीक है, इसे हम संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, पहले देखिए ई, ए बी सी डी आप जानते होंगे, ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं ना, ठीक है। जैसे कि ए एक स्थान पे आता है, बी दो स्थान पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मान लीजिए आई 9 स्थान पे आता है, ठीक है, और ई किस स्थान पे आता है, 5 स्थान पे आता है। देखिए दोस्तों यहाँ ई दिया है तो इसे 5 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और एच किस स्थान पे आता है, देखिए दोस्तों वो 8 स्थान पे आता है, ठीक है। और के स्थान, के किस स्थान पे आता है, 11, ठीक है। यानी कि पहले हमने क्या किया, इसे संख्या में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसे श्रृंखला, यानी कि दो श्रृंखलाएँ चल रही है, ठीक है। देखिए कैसे श्रृंखलाएँ चल रही हैं, पहले हम जो संख्याएँ दी हुई हैं उनका श्रृंखलाएँ ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 10 और 12, 10 में क्या किया है, प्लस 12 कर दिया है, क्या किया, प्लस 12 कर दिया तो हमारा 22 हो गया है, ठीक है। 10 में क्या किया, प्लस 12 कर दिया है तो 22 हो गया। अब 22 में कितना जोड़ेगा कि 38 आ जाए। देखिए कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है, कितना, 16, यानी कि 12 और 4 16, यानी कि 12 में 4 जोड़ दिया तो 16 हो गया, ठीक है, तो हमारा 38 आ गया। 10 में हमने क्या किया, 12 जोड़ा तो 22 आ गया, 22 में हमने 16 जोड़ा तो 38 हो गया। तो अब क्या जोड़ेंगे हम, 20 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि चार चार संख्याएं बढ़ रही हैं इनमें। 12 में देखिए 4 बढ़ा तो 16 हो गया, तो 16 में 4 बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 58, ठीक है। तो देखिए हमने एक संख्या है तो ज्ञात कर ली, 58, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है सी में और डी में, 58 58 तो दिए हुए हैं, लेकिन अभी ये भी हमें पता करना है कि यम आएगा कि यन आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज्ञात करते हैं, देखिए क्या करेगा, 5, यानी कि 5 दिया है और 8 दिया है, ई और यच के बीच का गैप कितना है, प्लस 3, ठीक है। क्या किया है, 5 में 3 प्लस कर दिया है तो 8 हो गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब इसमें 8 हो गया, तो अब किसमें हम, के में कितना दिया है, 11। देखिए के में क्या करेंगे हम, प्लस कितना कर देंगे, 3, प्लस 3 करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो अब उसी तरह हम क्या करेंगे, 11 हो गया, ठीक है। अब के में हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है, के में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14। और देखिए दोस्तों 14 14 किस स्थान पर आता है, यन यन स्थान पर आता है, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी में 14वें नंबर पर यन आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यन, यानी कि इसका समूह किससे है, यन और 58 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यन और 58, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले अक्षर को संख्या में कन्वर्ट किया, ठीक है, उसके बाद श्रृंखलाएँ बनाई। देखिए 10 में 12 जोड़ा तो 22 हो गया, और 22 में 16 जोड़ा तो 38 हो गया, यानी कि 4 4 4 ऐड कर दिया, तो 12 में 4 ऐड किया तो 16 हो गया, 16 में 4 ऐड किए तो 20 हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर 58 आ गया, ठीक है, हमारी एक संख्या तो प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अब हम अक्षर वाली संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए क्या किया हमने, 5, देखिए ई 5 स्थान पर आता है, उसमें हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8, यानी कि यच आ गया, ठीक है। तो फिर हमने 8 में क्या किया, 3 जोड़ दिया तो 11 हो गया, 11 स्थान पर क्या आता है, के, देखिए दोस्तों यहाँ पर के हो गया, ठीक है। फिर हमने के में क्या किया, 3 जोड़ दिया, ठीक है, के में 3 जोड़ दिया तो हमारा 14 हो गया, 14 हमारा किस संख्या पर आता है, अयन स्थान पर आता है, यानी कि यन 58, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।